नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने पल्सर 125 बाइक ही क्यों ख़रीदा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस प्राइस रेंज में बहुत सी अच्छी अच्छी और बाइक्स हमें मिल जाती हैं, लेकिन मैंने पल्सर 125 ही क्यों लिया, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पल्सर 125 ये जो बाइक है, ये आप देख सकते हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी स्पोर्टी लुक इसको बजाज द्वारा दिया गया। जो पल्सर 150 की जो लुक है, वही लुक इस गाड़ी को भी दे दिया गया है। तो स्पेशली मेरा एक कारण यही था कि इस मेरे को एक स्पोर्टी बाइक चाहिए थी और प्राइस रेंज भी मेरा थोड़ा कम था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पल्सर 180F की तरफ गया था, लेकिन उसमें क्या 35-40 का माइलेज तो कंपनी खुद क्लेम करती है, तो 30-35 से ज़्यादा आपको माइलेज नहीं देगी, ऐसा मेरे को लगा। इसलिए मैंने इस बाइक को प्रेफर किया और इस बाइक को मैंने लिया, और ये बाइक मेरे को अभी भी काफ़ी अच्छी माइलेज और अच्छी पावर प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, इस गाड़ी की खास बात एक और ये है कि राइडिंग में काफ़ी अच्छी है, आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है इस बाइक में। और इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। आगे का जो डिस्क ब्रेक है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पीछे का जो ब्रेक है, जो नीचे से हम ब्रेक लगाते हैं तो आगे भी लगता है, वो उसने मेरे को उतना प्रभावित नहीं किया। लेकिन गाड़ी ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छी है, और इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है। और ये जो गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आती है इसकी पल्सर की बैजिंग, और ये आता है इसका टैंक ऑयल। दोस्तों, टैंक ऑयल इस बाइक की लुक को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसमें नीचे में एक इंजन का ऑयल भी आता है, उसको मैंने अभी तक लगाया नहीं है। वो स्प्लिट एडिशन में इसका आता है, लेकिन मेरे को स्प्लिट एडिशन इसका नहीं चाहिए था, मेरे को एक कंप्लीट सीट चाहिए थी, इसलिए मैंने इस गाड़ी को लिया। देखते हैं जैसे शोरूम में इसका इंजन काउल आएगा, या फिर इंजन गार्ड बोलते हैं उसको, कई लोग बेली पेन बोलते हैं, स्पेशली उसका नाम क्या है वो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन इंजन गार्ड बोलते हैं, तो वो जैसे ही आएगा तो मैं उसको लगाऊंगा। और ये आता है इस गाड़ी को ऐसा टायर, ये इस गाड़ी का हेडलैम्प देख सकते हैं आप, ये इसका हेडलैम्प, यहाँ पर बजाज का लोगो, ये दोनों इसके इंडिकेटर्स, और यही इस गाड़ी का मडगार्ड है, इसके डिस्क ब्रेक देख सकते हैं आप। ये इसका जो साइलेंसर है, इसको आप देख सकते हो, अभी के जो जितने भी नए बाइक्स आ रहे हैं उसमें ये जो साइलेंसर है उसको आगे मोटा ही दिया जा रहा है, मैंने बहुत सी गाड़ियों में देखा है। और ये इस गाड़ी का इंजन 125 सीसी का, जो काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करता है। ये इस गाड़ी का साइलेंसर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको मिलती है 125 की बैजिंग, ये इसका हैंडल, और ये है इस गाड़ी का बैक लाइट, यहाँ पर इसका नंबर प्लेट दिया जाता है, ये रिफ्लेक्टर जो स्पेशली हर गाड़ी में मिलता है, ये पीछे के दोनों इंडिकेटर्स, और आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का टैंक। तो दोस्तों, कंपनी जो है, बजाज जो है, वो इस टैंक को लगभग 11 लीटर या 12 लीटर का बताती है, लेकिन मैंने कई वीडियोज़ में देखा है कि कई लोग इसमें 15 लीटर 16 लीटर पेट्रोल भी आराम से भरवा लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक फुल करा कर तो देखा नहीं है, कभी फुल करा कर मैं भी देखूंगा। मैं तो 200-300 का पेट्रोल ही डलवाते रहता हूँ, और जैसे ही मतलब मेरा ये जो है अभी शायद फुल होगा, और मैं 3 से 4 तक रखता हूँ इसका जो कांटा है उसको। अभी देख सकते हैं अभी ये फुल में ही है, इसको पापा ने कराया था, मैं नहीं कराया हूँ, और दिखाऊंगा आपको। तो ये है इस गाड़ी का, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये कंप्लीट घूमता है। ये आपका RPM मीटर, इसका स्पीडोमीटर, फ्यूल, और ये आपको साइड स्टैंड के बारे में पता चलता है। यहाँ पर अगर बैटरी लो जाता है, यहाँ पर बैटरी लो लिखा जाता है। इसका कंप्लीट ओडोमीटर, यहाँ पर 2 ट्रिप होता है, ट्रिप 1 और ट्रिप 2 देख सकते हैं आप। और ये है इस गाड़ी का ऊपर नीचे करने का लाइट का, लो बीम हाई बीम का, ये इसका इंडिकेटर का देख सकते हैं, इंडिकेटर जैसे हम ऑन करते हैं तो किसी भी साइड का हम ऑन करें वो वहाँ पर चलता रहता है। ये इसका हॉर्न, इस गाइस इसमें सिंगल हॉर्न दिया जाता है, आप देख सकते हैं, अगर इसमें डबल हॉर्न दे देता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, जो पल्सर 150 में आता है। हालांकि आप उसको आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी से जो आता है सामान उसका भाई फीलिंग ही अलग होता है। और आपको इंजन चालू करने के लिए पहले इसको ऐसा करना होगा, ऑन करना होगा, उसके बाद यहाँ से आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, और बंद करने के लिए भी यहीं से आप बंद कर सकते हैं। तो देखिए, ये जैसे इसको मैं चालू करता हूँ तो हर पल्सर 125 में ही होता है, यहाँ से आवाज़ आती है, देखना, ये सुना आपने फिर से। तो ये हर पल्सर 125 के साथ है ये सीन, जो आवाज़ आता है, और ये इंजन का ही एक पार्ट है, कोई ख़राबी नहीं है इस गाड़ी का।
ये कंप्लीट एक मतलब गाड़ी का इंजन के साथ ही वो है, वो गाड़ी के इंजन में कोई फॉल्ट है ऐसा कुछ नहीं है। और ये इस गाड़ी की कंप्लीट लुक। और इस गाड़ी में देखिए आपको जो चेन कवर है उसको कंप्लीट पूरा पैक करके दिया जाता है, पूरा कंप्लीट चेन कवर को आपको पैक करके दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं आप, ये है इसका ग्रिल, ये इसके शॉकअप सस्पेंशन जो कि शायद एडजस्टेबल या कुछ बोलते हैं वैसा कुछ आता है। और इसका पैर रखने के लिए, ये भी पैर रखने के लिए, वो भी पैर रखने के लिए, देख सकते हैं आप, ये इसका मेन स्टैंड, इसका साइड स्टैंड। और गाड़ी ओवरऑल देखें तो लुक के मामले में टाटा ने, माफ़ कीजिएगा, लुक के मामले में बजाज ने कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इस गाड़ी के साथ नहीं किया है। लुक के मामले में मेरे को बजाज के साथ, बजाज से कोई शिकायत नहीं है। ये इस गाड़ी की कंप्लीट लुक यू कैन सी। एंड देखिए आप, इस गाड़ी में आगे आता है डिस्क ब्रेक और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, देख सकते हैं आप। और ये कंप्लीट इस गाड़ी का एक लुक है। और यही कारण था कि मैंने पल्सर 125 ही खरीदा। और आप चाहो तो इस गाड़ी को ले सकते हो, काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करेगा, आपको लो मेंटेनेंस भी आपको ज़्यादा उतना नहीं पड़ेगा इस गाड़ी में। और इस गाड़ी में ये देखिए जो काउल पर ये जो छोटा सा जो ग्राफिक्स दिया है, ये भी इस गाड़ी के लुक को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। और यही कारण था कि मैंने पल्सर 125 ही लिया। जैसे शाइन SP था और कुछ कुछ बाइक था, पैशन प्रो भी था, लेकिन इस गाड़ी के साथ आपको फीलिंग ही स्पोर्टी आएगा। और हाँ, चलाओगे तो भी ये गाड़ी एक अच्छा स्पोर्ट बाइक का जो फीलिंग फील कराता है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और यही कारण था कि मैंने पल्सर 125 भी लिया। और अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसको ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच।